अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है बॉटनी के फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह यही होंगे। सेक्शन बी में आपके पास पूरे टोटल क्वेश्चंस होते हैं 14 और इसमें आपको अटैम्प्ट करने होते हैं 9 क्वेश्चंस। हर ईच क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स एंड देन आपको क्या करना होता है कि आपको हाफ़ पेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। 5 to 6 लाइन्स इनफ होंगी इन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इसमें नॉन रीजनिंग एंड रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें मिक्स करके आते हैं। में ये होता है कि कुछ ना कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बट वो 1 2 से ज़्यादा नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन। सो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है एरोबिक एनएरोबिक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट डाइकॉट प्रियॉन्स वीरियोइड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनकी बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में आ चुके हैं। आपको इसको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन आंसर्स की डिफरेंस बहुत कम है बॉटनी में। बहुत अच्छा होगा कि आप सारे कर लें। मॉडल पेपर तो आपको मस्ट सॉल्व करना है। बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। सो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप सारे के सारे प्रीलिम्स पेपर सॉल्व कर लें क्योंकि आपकी न्यू बुक है तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। सो बैक्टीरियल ग्रोथ में लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज होता है। सो वो आपको करना है और ये अगर आप हेडिंग के साथ लिखेंगे तो ये हाफ पेज से ज़्यादा एक्सीड ना करें। बहुत अच्छा होगा कि आप 1 पेज का इनफ लिख दें, बस इससे ज़्यादा का नहीं लिखिएगा। वैसे इतना टाइम भी नहीं होता, 2 आवर्स का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज क्लोरोप्लास्ट सेड टू बी एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। सो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत प्रीलिम्स पेपर में आ चुका है, मॉडल पेपर में आ चुका है। सो मस्ट श्योर कि आपको ये आना चाहिए। राइट अ नोट ऑन सो काइनोबैक्टीरिया प्लास्टिड एस्कोमाइकोटा इन्फ्लोरेंसेस। इस पर नोट आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एस्कोमाइकोटा इन्फ्लोरेंसेस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आ चुका है प्रीलिम्स पेपर में। बॉटनी में क्वेश्चन होता है उसमें आपको डेफिनेशन देनी होती है। सो डेफिनेशन में हिट्रोस्पोरी, डबल फर्टिलाइजेशन, विरोइड्स, कॉन्जुकेशन, वर्नलाइजेशन, फोटोप्लास्म, टिश्यू कल्चर, सेल वॉल, एनुअल रिंग्स, ये मोस्ट प्रोबेबली है कि इन्हीं में से डेफिनेशन हो। डेफिनेशन आपकी अगर 2-3 लाइन्स होंगी और 2-3 लाइन्स से ज़्यादा एक्सीड ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इनफ होंगी 2-3 लाइन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिम्टम्स ऑफ एड्स। सो ये एड्स में सिम्टम्स आपके बहुत दिए हुए हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो सिम्टम्स ही पूछ लें क्योंकि वायरस चैप्टर में क्या है कि वायरस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो करेक्टर्स पूछ लें, सिम्टम्स पूछ लें, वायरस के करेक्टर्स पूछ लें, सिम्टम्स पूछ लें एड्स के। और ये मोस्ट प्रोबेबली आता है कि बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज लिखें उसके कॉजेटिव एजेंट और उनके सिम्टम्स के साथ। वो भी आप कर लीजिएगा, चार्ट को एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा कि क्योंकि वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है स्किन काइमा और कॉलन काइमा की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 to 4 आपको करेक्टर्स लिखनी चाहिए। कोई एक ही आएगा तो वो 4 करेक्टर्स लिखेंगे तो 2 नंबर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाई इज इंसेक्टिवोरस प्लांट नीड इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में रहते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है, हर प्रीलिम्स पेपर में आया हुआ है। हमने ये बहुत प्रीलिम्स पेपर में तो किया है, मॉडल पेपर में भी आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोपिरियडिज्म, क्लासीफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। सो फोटोपिरियडिज्म को डिफाइन करना था और क्लासीफाई करना था प्लांट्स को, लॉन्ग प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन ऐसा है कि लॉन्ग हो जाता है तो ये 1 पेज इनफ होगा। आप डेफिनेशन देंगे एंड देन फिर आप लिखेंगे और इसके साथ एग्जाम्पल्स भी दिएगा, लॉन्ग डेज, शॉर्ट डेज एंड डी न्यूट्रल प्लांट्स में एग्जाम्पल भी देंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा एंड 1 पेज तक एक्सीड करेगा ये। क्वेश्चन है व्हाई इज एटीपी कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा आया हुआ है प्रीलिम्स पेपर में भी। इंसान हम पहले ही कर चुके हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मॉडल पेपर में आ चुका है। एक बात याद रखें कि मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा, मैं वापस से बोल रही हूँ क्योंकि मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। राइट लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स ऑफ वायरसेस। सो वायरस की लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स हैं ये। अगर आप 2-2 लिखेंगे तो भी इनफ होगा, वरना आपको 3-3 लिखनी चाहिए। उससे ये होता है कि मोस्टली ये बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं एंड ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो। सो दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इंशाल्लाह यही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। मेरी दुआ है कि यही क्वेश्चन हों आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आप लोगों को प्रीलिम्स पेपर सारे सॉल्व करने चाहिए, पीसी के, आदम जी कोचिंग के, आदम जी कॉलेज के, सेंट लॉरेंस के, शहीद मिल्लत के, पी सी जी एस के, ये सारे
प्रीलियम्स पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।